हम सबके बीच में उपस्थित होकर मंच की शोभा बढ़ा रहे परम पूजनीय महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, युवा संभाग के कमिश्नर आदरणीय चौधरी साहब, नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय सचिव सोनी जी, आदरणीय चुड़िया जी, पूर्व महापौर आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, मशहूर साहित्यकार आदरणीय सुरेंद्र पांडे जी भजरत जी, पिछवाड़ के पार्षद आदरणीय मनोज सिंह जी गुट्टा जी, मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय दमोदराचार्य जी महाराज जी से लेके सारे संत महात्मा पुजारी, मंच पूरा सजा हुआ है हमारे पुजारियों से, हमारे संतों से, और यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें और गणमान्य नागरिकगण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं साथियों, आज एक बार फिर से सौभाग्य का दिन आया है जब हम लोग एक धार्मिक स्थल के कायाकल्प का लोकार्पण कर रहे हैं। अभी संचालक महोदय बता रहे थे यदि भगवान के स्थान को भी हम विकसित नहीं कर सके तो हम क्षेत्र के विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं। यदि भगवान के स्थान को हम नहीं चमकाएंगे तो हमारा सपना पूरे क्षेत्र को चमकाने का कैसे पूरा हो सकता है। और इसलिए एक और विकास के अन्य कार्यक्रम के साथ साथ हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो रानी दरबार के क्या दुर्दशा थी उपेक्षा के कारण, लेकिन आस्था के चलते आज उसका जो तस्वीर बदली है वो अन्य क्षेत्रों से भी मांगे आने लगी है कि रानी तालाब की तरफ हमारे तालाब को भी विकसित कर दी। मैं सत्रह में प्रभारी मंत्री था, पूरे सत्रह भर के लोग इकट्ठे होते थे और कहते थे जैसे अपने यहाँ के रीवा के रानी तालाब को आपने विकसित किया है, हमारे सत्रह का जो तालाब का नाम भूल रहा है जगत के तालाब को भी रीवा के रानी तालाब की तरह बना दिया। एक बार मैं मुख्यमंत्री जी के साथ सिंगरौली के हेलीकॉप्टर से आ रहा था। इस प्रकार के कामों की प्रसिद्धि कैसे फैलती है, मैंने उनसे कभी नहीं कहा था कि रीवा के रानी तालाब को हम लोगों ने बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को मालूम था और जैसे ही हमारा हेलीकॉप्टर रानी तालाब के ऊपर से उतरा, ऊपर से निकला और उनकी नजर रानी तालाब पर पड़ी तो मेरे को हाथ को इशारा करके कहते हैं कि वही तालाब है ना जिसको अभी आपने विकास किया है, किसका, ये वही तालाब है ना। तो जब काम किया जाता है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। तो हम जब प्रिया जी मिलते थे, मनोज सिंह जी मिलते थे, यहाँ पर हम जब दर्शन करने आते थे तो हमारे पालकदास जी महाराज जी से लेकर गोकर्ण पंडित जी, टूटू महाराज कहते थे का ये चिल्हवा के तालाब रानी तालाब की तरह विकसित नहीं हो सकता क्या। तो मुझे लगा कि अब इस काम को करना भी बहुत जरूरी है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार इस तालाब के सर्वे करने के लिए विवेक दुबे जी को लेके और नगर निगम के अधिकारियों को लेके मैंने कहा इस तालाब का काम शुरू करना है, और जब मैंने उसका भ्रमण किया तो आपको भरोसा नहीं होगा जो बाहर से आए हैं, ये तो यहाँ के हम तो जानते हैं कि उस तालाब में चलना मुश्किल पड़ रहा, एक भी कदम यदि असावधानी से पड़ जाता तो गंदगी में पैर पड़ जाता, इस प्रकार की हालत इस तालाब की। एक तरफ हनुमान जी का इतना ऐसा मंदिर जो मंगलवार और शनिवार को जितनी भीड़ किसी मंदिरों में नहीं लगती होगी, एक तरफ हनुमान जी का मंदिर और उपेक्षा के कारण हमारे सामने का जो तालाब उसमें चलने लायक भी नहीं, बैठने लायक भी नहीं, तालाब का पानी भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, कहीं से भी पानी भरने का रास्ता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अभी काम को करना है। और ये रानी तालाब के लिए तो पैसा हमने दिल्ली से लाए थे हम करीब 4.5 करोड़ रुपया, क्योंकि माँ कालिका की कृपा से मैं पर्यावरण मंत्री बन गया और पर्यावरण मंत्री बनने के कारण केंद्र में कौन कौन सी योजनाएं हैं उनका मैंने पता लगा लिया। और जीत संरक्षण योजना से 4.5 करोड़ रुपया 2005 में डेढ़ साल जब मंत्री थे उस पैसे को वहां पे लाने में
हम लोगों ने काम किया, लेकिन चरोला तालाब के लिए पैसा भी नहीं था। लेकिन हमने कहा कि चरोला स्वामी का नाम लो और आगे बढ़ो, काम शुरू करो। और आपको आश्चर्य होगा कि शासन के खजाने से एक रुपया लिए बिना 3 करोड़ रुपए खर्च करके इस तालाब को पूरा करने का काम करो। भगवान किस तरीके से मदद करता है। यहाँ पर दिवाली जी बैठे होंगे, जो रीवा से हनुमाना की 4 लेन की सड़क बनाए हैं, कहाँ बैठे वाली बैठे कि नहीं। हमने कहा कि बिजली का काम आपके लिए, ये जो रिलायंस की कंपनी जिसको गैस मिली है शहडोल में, और वो ले जा रहे हैं फूलपुर गैस पाइपलाइन को उठा के और नेशनल ग्रिड में जोड़ने के लिए। हमने कहा हरियाली लाने का काम आपको करिए। पानी कॉरपोरेशन हमारे पास ही था, 56 लाख रुपए उससे दे दिया कि पहले सब चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाइए, फिर पेवर ब्लॉक लगाने की बात आई। तो हमने कहा कि वो गर्म पानी की, गर्म पानी तो लोग हमारे पास आते हैं, स्वाभाविक है कि हम लोगों की मदद भी करते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमारे लायक कोई काम बताइए, तो मैं उनको बता देता हूँ कि हमें चरोला तालाब बनाइए, लक्ष्मण बाग में काम करिए। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई काम तो है नहीं कि मैं कहूँ कि हमारा स्कूल बन रहा है, हमारा स्कूल बना दीजिए, हमारा अस्पताल बना दीजिए, हमारा मकान बना दीजिए। ये सब तो मुझे पहले से बना बनाया मिला है। मुझे ना तो मकान बनाने की जरूरत है और ना अपना स्कूल बनाने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों ने इस प्रकार के लोगों से अपने स्कूल अपने कॉलेज ही बना लिए और उन्होंने बाकी चीजों का ध्यान ही नहीं दिया। अब इसी विचारधारा के लोग आते तो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा देते हैं। और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सामान्य आदमी को भी हंसी आती है। चित्रकूट जाते हैं तो कहते हैं कि हम चित्रकूट में मोबाइल बनाएंगे, फिर बैकुंठपुर जाते हैं तो कहते हैं बैकुंठपुर में मोबाइल बनाएंगे, फिर त्योथर में कहते हैं त्योथर में मोबाइल बनाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मोबाइल बनाना तो दूर रहा, यदि आपने मोबाइल को चार्ज करने वाले चार्जर का पिन भी 70 साल में अमेठी में बनाया हो तो हम भरोसा कर लेंगे कि चित्रकूट में आप मोबाइल बनाने का फैक्ट्री लगाना। इस प्रकार के लोग अनादर आरोप लगाते, जिन्होंने रीवा को रसातल में पहुंचाने का अपराध किया। वो जब शानदार कलेक्ट्रेट बनता है तो हमको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जब विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम रीवा में बन जाता है तो उसमें राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा कि ये शानदार इमारत जो यहां पर जिसके सामने मैं सभा कर रहा हूं, मजदूरी के कारण उनको भी उसको शानदार इमारत तो कहना पड़ा, लेकिन ऐसी शानदार इमारत तो दिल्ली में भी नहीं है, लेकिन ये ही टेंडर के घोटाले के कारण बन पाई है। अब उनको क्या मालूम, जिनको ये नहीं मालूम कि चित्रकूट में मोबाइल नहीं बनेगा भाई, किसी मशीन में एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, जिसको ये नहीं मालूम है वो ई टेंडर में कितना चमत्कार किया वो कैसे समझ सकता है। हम लोग देखते थे कि पहले टेंडर होते थे, जब ई टेंडर नहीं होता था तो जो गुंडा मवाली होता था वो उस विभाग के बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाता था और जो टेंडर फॉर्म लेके जाते थे उनका टेंडर फॉर्म छीन लेते थे, फाड़ देते थे, टेंडर नहीं डालने देते थे। लेकिन ई टेंडर के माध्यम से लोग घर बैठे, जो पात्र आदमी है, जो योग्य आदमी है, जो सक्षम आदमी है, जो गुणवत्ता के साथ काम कर सकता है, जो तेज गति से काम कर सकता है, वो अपने घर में बैठ के चुपचाप टेंडर डाल सकता है। कोई पता नहीं लगा सकता कि कौन कौन लोग और कितने कितने लोग टेंडर डाल रहे हैं। और जब सबको मालूम होता है कि 3 लोग टेंडर डाल रहे हैं तो आपस में बैठ लेते हैं, कहते हैं तुम 10 करोड़ डालो, हम 9 करोड़ डालेंगे, तुम 8 करोड़ 90 लाख डाल देना, और डाल दे देते थे। लेकिन ये टेंडर में तो मालूम नहीं है कि हैदराबाद में बैठ के कोई टेंडर डाल देगा। जिस दिन टेंडर खुलता है उसी दिन मालूम पड़ता है कि फलाने आदमी ने टेंडर डाल दिया और उसका रेट सबसे कम आ गया है और उसको काम मिल जाता है। तो ये टेंडर ने तो पारदर्शिता लाई है, ईमानदारी लाई है, इस टेंडर के प्रक्रिया में सफाई लाई है, और जिसके कारण कोई कल्पना कर सकता है कि रीवा में इस प्रकार से शानदार कलेक्टर कोई बना सकता है, इस प्रकार का ऑडिटोरियम। एक एक पैसे का हमें व्यक्ति से प्रेम नहीं है, हमें तो काम से प्रेम है। अच्छा काम करने वाले
लोगों को रीवा में से इसलिए नहीं रोक दिया जाएगा कि कोई ये चाहे कि हम इस काम को हम करें, हमारे अलावा कोई नहीं करे, और इसमें हम भ्रष्टाचार करें और इसमें हम कमाई करें और उस कमाई से हम अपना स्कूल बनाएं, हम अपना अस्पताल बनाएं, हम अपने कॉलेज बनाएं। इस प्रकार के पद्धति जो पहले की सरकार के शासनकाल में रही है उसको पूरी तरह से नशानाबूद करने का काम जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, तो लोगों के पेट में दर्द होता है, लोगों को तकलीफ होती है। ये बाढ़ सागर की नहरें का पानी जब खेतों में जाता है और हमारा किसान खुशी से जब झूम जाता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनको लगता है कि ये काम हमने नहीं किया, जनता हमको अपराधी मान रही है और इसलिए इसमें भ्रम पैदा करो, इसमें झूठ पैदा करो। शानदार फोर लेन की सड़कें, फ्लाईओवर, बाईपास, रिंग रोड, क्या ये सारे काम उन लोगों को गड्ढेरे में खड़ा नहीं करते जिनको लंबे समय तक काम करने का मौका मिला और जिन्होंने बाण सागर के बांध को पूरा न करने का अपराध किया? रीवा से बाईपास न बन पाने के कारण मैं हमेशा कहता था मुख्यमंत्री जी से कहा, हमने कहा यह बाईपास की सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, यह जीवन और मरण का मामला है। ये सड़क बन जाएगी तो रीवा के लोगों की जान बच जाएगी और ये सड़क यदि नहीं बनेगी तो रीवा के लोगों की जान को जान का खतरा बड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, मुझे देखते रह गए और उन्होंने कहा कि सड़क को बनाने के लिए क्या चाहते हैं, हमने कहा इतना पैसा चाहिए, इस तरीके से काम हो रहा करना पड़ेगा। तत्काल उन्होंने निर्णय लेते हुए और ऐसे काम किए कि बाईपास बन गया। जब बाईपास का लोकार्पण हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि बाईपास रीवा शहर की आधी समस्या दूर करेगी, आधी पूरी समस्या तो तब दूर होगी जब रतेरा से सिलपुरा और सिलपुरा से लेके अड्डाल ये पूरा जब रोड बन जाएगी, रिंग रोड, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा। तो ये विकास के जो काम है ये जनता के जीवन में खुशहाली लाते हैं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, विकास के दरवाजे खुल जाते हैं, अवसर के दरवाजे खुल जाते हैं। अभी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि आज CII का जो हमने सेंटर का उद्घाटन किया है, ये सेंटर दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है और एक और भी बड़े किसी बरेली में है, और इतने बड़े बड़े नगरों में जो सेंटर चलते हैं वो रीवा में क्यों आ गए? क्या उन्होंने सर्वे नहीं किया होगा? क्या उन्होंने संभावनाओं को देखा नहीं होगा? लेकिन रीवा में जिस तरह से विकास के काम शुरू हो गए हैं और वो लोग भी रीवा में आने लगे हैं जो रीवा में आने से कतराते थे और रीवा को पिछड़ा मानते थे, अब उनको लगता है भविष्य यदि किसी का है तो रीवा का है। लोग कहते हैं कि भोपाल इंदौर को भी पीछे करने की क्षमता यदि किसी क्षेत्र में विकसित हो रही है तो हमारा आपका रीवा है, जिसे लोग कहते थे कि तहसील की तरह भी नहीं दिखता, पिछड़ा इलाका है, पिछड़े मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका कोई है तो रीवा है, ये कहा जाता था। और जिन लोगों के कुकर्मों के कारण, जिन लोगों के राजनीतिक अपराधों के कारण रीवा में इस प्रकार का कलंक लगा था वो हम लोगों के सीने में तीर की तरह चुभता था। जब लोग कहते थे कि आपका रीवा पिछड़ा है तो मुझे लगता था कि रीवा हमारा पीछे जैसा भी वो हमारा है, लेकिन जब कोई कहता था कि पिछड़ा है तो तकलीफ होती थी। आखिर हमारे यहाँ क्या कभी हमें चिरोलीलाल स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त था, माँ कालिका यदि कहीं जाती है तो हमारे यहाँ जाती है, बाबा महामृत्युंजय का आशीर्वाद हमको मिलता है, लक्ष्मण बाग में चारों धाम का तीर्थ यदि कहीं है तो हमारे जिला के लक्ष्मण बाग में माँ शारदा का आशीर्वाद हमको मिलता है, शांतनाथ स्वामी जहाँ पर भगवान राम स्वयं 11.5 वर्ष जिन्होंने जहाँ पर अपने वनवास को काटने का काम किया वो भी यदि कहीं है तो हमारे दिल्ली की धरती पर है, माँ नर्मदा यदि कहीं से निकलती है तो हमारे दिल्ली के अमरकंटक से निकलती है। आखिर क्या कमी है हमारे यहाँ? सीमेंट बनाने के लिए यदि लाइन स्टोन की जरूरत है तो हमारे यहाँ है, बिजली बनाने के लिए यदि कोयले की जरूरत है तो हमारे यहाँ है, और सूरत से भी यदि बिजली बनाई जा सकती है तो सबसे बड़े दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगाने का काम यदि कहीं हो रहा है तो हमारे जिला की धरती पर हो रहा है, ये सब ईश्वर की कृपा है। यदि किसी भी काम पे हाथ लगाया जाता है ईमानदारी के साथ, नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीति अच्छी होनी चाहिए और नेता भी यदि अच्छा होता है, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी यदि नेता भी अच्छे यदि हैं तो कौन सी ताकत है जो हमारे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ने से रोक सकती है। और इसलिए
हमने कहा है कि हमको सब नहीं छोड़ना और प्रत्यक्ष की प्रमाण भगवान की कृपा से किस प्रकार से विकास होता है। सरकार का एक रुपया लिए बिना तिरोड़ा नाथ स्वामी में यदि हमने सिर्फ संकल्प ले लिया कि भले 3 करोड़ रुपए लगे तो लगेगा तो लगाएंगे, लेकिन चिरोड़ा तालाब को रानी तालाब की तरह विकसित करके दिखाएंगे। तो आप देखिए 1 रुपए सरकार से लिए बिना 3 करोड़ रुपए आ गए और 3 करोड़ में ये तालाब बनके ऐसा तैयार हो गया जहां पर लोग आसानी से सवेरे घूमने जा सके। तो यह कि सवेरे हम लोग चिरोड़ा में मिलते हैं घूमते हुए, हम भी चिरोड़ा जाते हैं घूमने रानी तालाब में। तो प्रिया जी हमसे कहते थे चिरोड़ों का बंबा दे तो हमको जब भाषा में जाए तो वहां घूम लेवा कर रानी तालाब वालों को घूमने के लिए। तो आज वो सपना भी हम सबका पूरा हो रहा है और सिर्फ चिरोड़ा तालाब को विकसित करके हम यहाँ तो नहीं रहने वाले। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर राम राज जी पटेल बैठे हैं, बैठू भाई हैं, यहाँ पर शंकर जी हैं। चिरोड़ा तालाब को भी इसी प्रकार से विकसित करने के लिए इस बार सरकार से मंजूर कराया है 2 करोड़ रुपया सरकार से मंजूर करा दिया। चिरोड़ा तालाब के विकास का काम हम शुरू करने वाले हैं। फिर विश्वजागर तालाब जो कुबेर तालाब कहलाता है उसको विकसित करने के लिए हम अगली योजना में उसको लेने वाले हैं। बीहत नदी के बारे में अभी कमिश्नर साहब ने बताया है, बीहत नदी को विकसित करने की योजना कोई छोटी योजना नहीं है। लंदन में और पेरिस में मोदी जी ने उस योजना को देखा, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लौट के आए साबरमती में वो नदी नाले में नाले के रूप में हो गई थी, उसमें नर्मदा जी का पानी डाला, उस नाले को फिर से नदी बनाया और फिर उसके किनारों को उसी तत्व में विकसित करके उन्होंने साबरमती के तट को ऐसा विकसित कर दिया कि देश और दुनिया के लोग यदि अहमदाबाद जाते हैं तो साबरमती के तट को देखने भी जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात की राजधानी में किया ये काम, उससे प्रेरणा लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तटों को विकसित करने का काम किया। देश का तीसरा नदी जिसके तटों को विकसित करने की योजना बना के उस पर काम शुरू हो गया है वो हमारे आपके जीवा की नदी है बीहत नदी, जिसके तटों को विकसित करने का काम हम करेंगे। विक्रमपुर से लेकर राजघाट तक जैसे रानी तालाब में लोग घूमने जाते हैं, जिस तरह से चिरोड़ा के तालाब में लोग घूमने आएंगे उसी प्रकार से विक्रमपुर से लेकर राजघाट तक हमारे रीवा की आधी जनता, अरे हमने तो काले चौराहे से सर्किट हाउस के रोड को ठेक चला के पेपर ब्लॉक लगा दिए, पाथवे बना दिए, सवेरे देखिए हजारों लोग घूमने जाते हैं। जिस दिन यह काम हो जाएगा उसी आधा रीवा वहां घूमने जाएगा, राजघाट, देवी घाट, कोतवाली घाट, उसका जो सौंदर्य है जो छुपा हुआ है, चारों तरफ पेड़ है, खूबसूरती है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको लोग देख नहीं पाते थे, लेकिन अब ये काम होने के बाद लोग वहां पर देखेंगे। नाव चलेगी और ऐसी नाव चलेगी, क्रूज बोट चलेगी, वहां पर लोग परिवार के सहित बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए यदि क्रूज बोट चाहिए होगा तो क्रूज बोट ले लेंगे और वहां से यहाँ तक वो अपना जन्मदिन भी मनाएंगे, नौका विहार भी करेंगे। इस प्रकार से योजनाएं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट के लिए हमने प्रयास किया और हो गया। हमारे पहचान समय से जो 40 साल से नहीं था, बातें होती थी, चुनावी सभा में घोषणाएं होती थी, हमको वोट दे दो, मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस समय 15 पार्क में चुनावी सभाएं होती थी और मैं उन सभाओं को सुनने की मेरी बचपन से आदत थी। मुझे याद है लोग कहा करते थे आप हमें जिता दीजिए, हम रीवा के सभी शहर को वापस लाकर दिखाएंगे। इस प्रकार की लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय, सभी शहर वापस आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में आ गया, रीवा के चौतरफा 4 लेन की विश्वस्तरीय सड़कें बनने का काम शुरू हो गया, बीहत नदी का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया, देश का तीसरा प्रोजेक्ट हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि इसे भी मनुष्य के कर प्रयासों से तो संभव नहीं है, इसमें ईश्वर की कृपा के बिना तो ये काम हो नहीं सकता था, साक्षात भगवान खड़ा हो जाता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम भी धरती पर उतर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ रानी तालाब के विकास के कारण देवी जी के उस स्थान को जो गंदा हो गया था, जहाँ पर सोरे लोटा करती थी, देवी जी जैसे प्रसन्न रह सकती थी, उस स्थान को विकसित किया गया तो रीवा के विकास के दरवाजे देवी जी की कृपा से खुल गए, बाढ़ सागर का बांध बन गया, सिंचाई की नहरों का पानी का जाल घुस गया, 2.5 लाख एकड़ में 2 नदी के पानी से हमारे यहाँ के किसान धरती से दौलत पैदा करना शुरू कर दिए। और हम लोगों ने जब कहा मुख्यमंत्री जी से कि सिर्फ 2.5 लाख एकड़ में सिंचाई से काम नहीं चलेगा, बाढ़ सागर के बांध में भी और पानी बचा हुआ है, यूपी बिहार के पानी को कम कर देंगे उसके बाद ही बचा है,
अभी रीवा में और पानी फैलाया जा सकता है, 2.5 लाख से 8 लाख एकड़ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कितना पैसा लगेगा, हमने कहा 3000 करोड़ रुपए लगेगा। उसमें देरी नहीं की, शिवराज सिंह चौहान जी ने तत्काल 3000 करोड़ मंजूर कर दिए और 8 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाए, इसका मार्ग प्रशस्त करने का काम यदि हुआ है तो ये सिर्फ मनुष्य के प्रयास से नहीं हो सकता, ये ईश्वर की कृपा से हुआ है। और यदि रानी तरह के परिसर को लक्ष्मण बाग के स्थान को विकसित करने का असर यदि हो सकता है, देव तरह के शिव मंदिर के स्थान को विकसित करने का असर यदि हो सकता है, चिरोड़ा मंदिर के स्थान को विकसित करने का और कशरनाथ मंदिर जिसका पर तो हम भूमि पूजन करने वाले हैं, पचुढ़ा मंदिर जिसके विकास का काम हमने शुरू कर दिया है, भैरव बाबा का वो जो विशाल मूर्ति है, दुनिया में इतनी बड़ी मूर्ति किसी भगवान की नहीं है, उसके विकास करने का कार्यक्रम यदि हमने शुरू कर दिया है तो आप कल्पना करिए यदि इन सब कामों के हो गए तो युवा विकास की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। और विकास की ऊंचाई पर युवा को पहुंचाना है, हम दूध के जले, लोगों ने हमको कहा कि तहसील स्तर पर नहीं लगता रीवा, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा रीवा में काम करने की संस्कृति नहीं है। जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से मंदिर बना और मैंने वहां पर बल्लभ भवन में अधिकारियों को बुलाया और हमने कहा रीवा में मीठे पानी की व्यवस्था करनी है, रीवा में नगर निगम के चंबी क्षतिपूर्ति को बढ़ाना है क्योंकि वहां पर 14 महीने से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, रीवा में बाईपास बनाना है। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा, मैं उस समय 37-38 साल का था, उनका नया नया लड़का जीत के आया है, उत्साह से भरा हुआ है और अधिकारी सब 2-4 साल में रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी अभी आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अभी सब आराम से चलने दीजिए, अभी तो 5 साल मंत्री रहना है। तो हमने कहा 5 साल मंत्री को और रहेगा, मैं ज्यादा दिनों तक मंत्री नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा क्यों, कहीं कि मैं पहली बार चुनाव जीता हूं और पता नहीं किसकी कृपा से दिल्ली के भाग से शिकार टूट गया है, मैं मंत्री बन गया हूं, कभी भी समीक्षा होगी तो हटा दिया जाऊंगा, इसलिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो फटाफट काम करना है, 1 साल के अंदर 5 साल का काम करना है, इसलिए ये काम करो ये काम करो, ये फाइल निकालो वो फाइल निकालो। तो जब इस प्रकार के तो अधिकारियों ने कहा कि साहब रीवा में काम करने की संस्कृति नहीं है, रीवा में कोई काम नहीं करना चाहता, तो मुझे लगा कि बहुत गहरा षड्यंत्र किया गया है रीवा के साथ, रीवा को बदनाम करने का और रीवा में किस प्रकार के काम चले हैं। भोपाल के बल्लभ भवन अधिकारी बैठ के कह रहे हैं रीवा के लिए क्यों प्रोजेक्ट सेंक्शन करा रहे हैं, रीवा में काम करने की संस्कृति है, कोई काम नहीं होगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, काम दिखेगा नहीं, पैसा भी चला जाएगा, काम भी नहीं दिखेगा। इस प्रकार की छवि हमारे रीवा की बना के भोपाल के बल्लभ भवन में लंबे समय में की सरकारों के कुशासन के कारण बन गई थी और वो हमारे लिए प्रोजेक्ट सेंक्शन करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन मैंने कहा कि इसका मतलब किसी की उम्र से भी नहीं निकलेगा और मुझे अंदर मालूम था कि जहाँ चाहो कि वहाँ पे रात को निकलना पड़ता है, और इसलिए धीरे धीरे करके उन सब कामों को जिस प्रकार से शुरू किया। और बल्लभ भवन में बैठे अधिकारी कहते कभी कमिश्नर साहब भी कह रहे थे इस प्रकार के काम तो मालवा में पहल नहीं होती है, महाकौशल में इस प्रकार की पहल नहीं होती है। अब रीवा के बारे में लोगों की सोच बदल गई, अब लोग कहने लगे तेज गति से काम कहीं होता है तो रीवा में होता है, अब रीवा निकल पड़ा है, रीवा ने उड़ान भर दी है और रीवा ये उड़ान उस मुकाम पर जाकर ही रुकेगी जब लोग ये कहने के मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर यदि सबसे विकसित शहर कोई है और सबसे विकसित यदि कोई जिला है तो वो रीवा है, ये जब लोग कहेंगे वहां पर जाके हमारी विकास की उड़ान को ले जाके और वहां पर पहुंचाने का काम हमको करना है, वही हमारा मुकाम है, उसी मुकाम पर हमारी नजर है। जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, हमारी नजर अपने उस मुकाम पर है, रीवा को विकास की तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचा के ही चैन की सांस लेना और तब तक शांत नहीं बैठना, इस काम को करने के लिए करोलनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारी की समस्या दूर करेंगे, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आज ही एक बहुत बड़ा कदम उठा है, ऐतिहासिक कदम है। जिस तरह से बाण सागर के काम को हम ये मानते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बड़ा काम था, उसी प्रकार से पढ़े लिखे बच्चों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार मिल जाए इसके लिए CII को लेके खींच के लाके और रीवा में उनको केंद्र स्थापित करना और उनका स्किलिंग इंस्टीट्यूट का मार्ग प्रशस्त करना,
भी उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। हमारा भविष्य सुनहरा है, हम अपने भविष्य सुनहरे भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए जयरोनाथ स्वामी जी के आशीर्वाद की बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए मुझे लगता था कि किसी तरह से यह तनाव पूरा हो जाए, विकसित हो जाए, लोग यहाँ पर आए और जयरोनाथ स्वामी जी इस विकास से प्रसन्न हो, रीवा को आशीर्वाद दें और रीवा अपने उस मुकाम पर पहुंचने के लिए अपने कर्मों से और ईश्वर की कृपा से और सबको के आशीर्वाद से हम सारे लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज रीवा के कई लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से विकास की इस बात को हाथों हाथ लिया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये एक आकर्षण का केंद्र बनकर तैयार होगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद। और आज एक बड़ा काम और हो रहा है, आज एक बड़ा काम और हुआ है। मैं पिछले दिनों माइनिंग डिपार्टमेंट का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं जब इंदौर जाता हूँ तो मैं इंदौर के कलेक्टर को, इंदौर के नगर निगम के कमिश्नर को बुला के और पूछता हूँ कि ये चमत्कार कैसे किया है इंदौर में, ये देश का सबसे साफ सुथरा शहर कैसे हो गया और सबसे साफ सुथरा शहर उसको अवार्ड नहीं मिला। कोई भी आदमी जाता है तो कहता है कितना साफ शहर है, एक कहीं लगता है चाहे नगर निगम में प्रवेश करो शहर में, चाहे एयरपोर्ट से उतरो। विदेश के लोग आए थे, जो मध्य प्रदेश के लोग दुनिया में रहते हैं, उनको हम लोगों ने बुला लिया, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस की थी। वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग तो समझते थे कि विदेश के शहर ज़्यादा साफ सुथरे हैं, लेकिन इंदौर को देख के तो हम लोग आश्चर्यचकित थे, इतना साफ सुथरा शहर कहता है। तो मैंने कलेक्टर को बुलाया, कमिश्नर को बुलाया, हमने कहा ये चमत्कार कैसे किया, उसे एक एक चीज नोट किया उसमें, और जो काम इंदौर में हो रहा है वो सारा काम रीवा में भी शुरू हो जाए, उसकी एक कड़ी की शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। तो चिरौड़ा में जितने फूल चढ़ते हैं और नारियल चढ़ता है वो कचरे के रूप में यहाँ पर परेशानी पैदा करता था, अब वो परेशानी पैदा नहीं करेगा। अब वो पूरा जो फूल और नारियल है वो एक मशीन लगा दी गई है यहाँ पर, उस मशीन से वो पूरा खाद बन जाएगी और जो खाद बनेगी वो खाद हमारे चिरौड़ा के पार्क में उपयोग होगी। ये जो कचरा है ये वास्तव में हमारे लिए खाद के रूप में हमारी उपयोग की चीज बन जाएगी, उधर सफाई रहेगी और इधर हरियाली बढ़ाएगी। तो जिसको लोग कहते थे व्यवस्था इसको कहते हैं, जिस वजह से परेशानी हो रही है उसी फूल से और उसी नारियल के टुकड़े से खाद बना के और इस पार्क की हरियाली को बढ़ाने का काम होगा। और मुझे वो बता रहे थे कि महाकाल उज्जैन और काशी विश्वविद्यालय विश्वनाथ बनारस और खजराना मंदिर इंदौर, तीन चार मंदिरों के बाद मध्य प्रदेश का ये चौथा मंदिर है चिरौड़ा स्वामी का, जहाँ पर ये फूल से और नारियल के टुकड़े से खाद बनाने की मशीन लगाने का काम हुआ है। और जब उस दिन सेवा संकल्प में रविशंकर प्रसाद जी प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहे थे कि ये मशीन के बारे में सुझाव दे रहे थे, ये मशीन लगवाइए हर जगह जहाँ 50 करोड़ से ज़्यादा का कचरा होता है। यहाँ पे जो घर घर में हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो इकट्ठा करके और हम ले जाएंगे जहाँ बिक्री बनाना है, क्या नगर और वहाँ तो ले जाएंगे, लेकिन जिन संस्थानों में 50 किलो से लेके 200 किलो तक का कचरा होता है उनको ढोने की क्या जरूरत है, वहीं मशीन लगा दीजिए, वहीं कचरा बना लीजिए, खाद बना लीजिए और उस खाद को वहीं पर उपयोग करने लगे। तो इस प्रकार की मशीन लगाने का भी काम इंदौर के बाद यदि किसी दूसरे शहर में शुरू हो रहा है तो आज हमारे रीवा शहर में शुरू हो रहा है, इसलिए मैं इसको भी आपको बधाई देता हूँ। दूसरा, रोड सफाई के लिए झाड़ू और पोछा तो हम लोग अपने घर में लगाते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा रोड में भी लगाया जाता है इंदौर में। झाड़ू लगाते हैं तो पोछा लगाते हैं, तो हमने कहा वो मशीन कहाँ, चलो दिखाओ हमको। तो मशीन हमने देखा, हमने कहा टेंडर वेंडर कहाँ, इसको निकालो जरा। इस तरह से आपने मशीन को एंगेज किया, उन लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट दिए, अपना प्रस्ताव दिया, हमने उनको एंगेज किया। नगर निगम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, तेज गति से काम करने का भी आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है और आपने साफ सफाई की मशीन रीवा में चार चार, यदि 12 मशीनें इंदौर में चल रही है, 4 मशीनें रीवा में भी आ गई है, सफाई करने लगी है। अब धूल का टुकड़ा नहीं दिखेगा, कागज का कहीं टुकड़ा नहीं दिखेगा, हमारी सड़कें साफ सुथरी रहेंगी और लोग जब रीवा में उतरेंगे तो कहेंगे न सिर्फ यहाँ फोर लेन की सड़क है, न सिर्फ फ्लाई ओवर है, बाईपास रिंग रोड है, बल्कि धूल का कोई कण यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। हम लोग को इस तरह से चमकाना चाहते हैं रीवा को, एक और LED लाइट से पूरा शहर जगमग हो रहा है और एक तरफ सफाई से पूरा रीवा
साफ सुथरा चमकदार हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था रीवा में करेंगे। और हमारे जो धार्मिक स्थल है, हमने कहा कि इसके बाद आप रानी तलाव में भी लगाइए, महामृत्युंजय मंदिर में भी लगाइए, जहाँ जहाँ पर फूल पत्ती और प्रसाद रहते हैं वहाँ हमारी जो मशीन लगा के वहीं से उसको कचरा बना के और वहीं से उसको खाद बना के और फूल पेड़ पौधों में डालने का काम हो जाएगा। तो उस महीने से हमने कचरे को ठीक कर लिया तो कम कचरा पैदा होगा, कहीं जाएगा और परेशानी पैदा नहीं होगी। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा काम है। कौन है यहाँ पर जो उस मशीन के संचालक हैं, क्या यहाँ पर मैं उनको भी बधाई देता हूँ, बड़ी तत्परता के साथ उन्होंने मशीन लगा के और इस काम को यहाँ पर आज उससे उसका उद्घाटन करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आए हैं इंदौर, ये इंदौर में हमको मिले थे, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो क्रिस्टल लाइटिंग पार्क है, क्रिस्टल लाइटिंग पार्क में ये मशीन लगी हुई थी। तो हमारा जो MD है उसने कहा कि साहब आप दीवा के लिए योजना बना रहे हैं, हम लोगों ने 50 किलो से लेके और 200 किलो तक के कचरे के लिए इंदौर में कम से कम 50 स्थान पर इस मशीन को लगाया है। तो वो मशीन देखने हम गए क्योंकि हमारे विभाग का ही वो भवन था और मैंने देखा कि लोग वहाँ पर दिल्ली जाते हैं, सब आते हैं, वहीं पे उस मशीन बाहर लगी है, वहीं पर सब जमा कर देते हैं जो वेस्ट रहता है और कचरा बना बना के उसी पार्क में पेड़ों को हरा भरा किए हुए। तो हमने कहा कि उनको रीवा में लाएंगे और आज ये रीवा पहुँच गए हैं, जिन्होंने मशीन का उद्घाटन कर दिया। क्या नाम है आपका? मुझे सालवे जी। ये मशीन लगाने के बाद और कहाँ कहाँ मशीन लगने हैं सर्वे कर लीजिए। तो इसलिए इस मशीन का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर सारे लोग मेरे साथ बोलिए तिरुवल्लुवर स्वामी की, तिरुवल्लुवर स्वामी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।